रावण दहन के उपलक्ष्य ऊपर हमारे यहाँ हमारे साथ हैं श्री रोशन लाल जी एटीओ। आइए इनसे जानते किस तरीके का आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा के पर्व की मैं सभी शिवानी वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवानी के मैदान में आतिशबाजियों का बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके साथ साथ बहुत ही 11 दिन तक रामलीला चली बहुत सौहार्द भाव से, तो मैं इसके लिए सभी रामनाटक क्लब के सदस्यों को और हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरे ये पूरा आतिशबाजी का जो दृश्य है आप यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर अनेक तरह की आतिशबाजी यहाँ पर दर्शकों के मनोरंजन के लिए लगाई गई हैं और ये पूरा नज़ारा अब आप सबके सामने, और अभी कुछ ही समय में यहाँ रावण का दहन होगा और उसी को लेकर के हमारे बीच में कुछ हमारे शिवानी इलाके के साथी हैं, उनसे भी मुलाकात करवाएंगे किस तरीके से। लोगों को देखो क्या संदेश होगा दशहरे के? दशहरा बड़े पे हिसाब से हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ठीक है जी, रावण ने सारा गांव का सारा से बहुत हर साल ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरीके से हमारे साथ भगवान प्रसाद केड़िया थे जो अपने विचार यहाँ पर रख रहे थे, उसके अलावा भी हमारे बीच में अनेक साथी जो पूरा नज़ारा आप जो दिख रहे हैं, पूरी कितनी भव्य यहाँ पर व्यवस्था की गई है और उसी को लेकर के पूरी व्यवस्था यहाँ पर श्री राम नटकल के द्वारा और हमारे अतिथिगण हमारे बीच में बने हुए हैं जो लगातार इस कार्यक्रम के अंदर यहाँ पर आनंद ले रहे हैं इस व्यवस्था का। और हमारे साथ में सुरेश खंडक जी हैं, क्या संदेश आप आज देना चाहते हैं? आज ये श्री राम नाटक क्लब द्वारा आज रावण दहन का आयोजन किया गया है हर साल के भांति। और रावण तो बड़े विद्वान आदमी थे, ये तो सिर्फ एक बुराई के लिए दिखाया जाता है, तो बड़े शांति प्रिय से शिवानी में रामलीला का मंचन अच्छी तरीके से चला और श्री राम नाटक बधाई के पात्र हैं। गिरिश जांगड़ा जी हमारे साथ हैं, जिस तरीके हर वर्ष की बात यहाँ सहयोग कर रहे हैं, आपसे क्या निवेदन क्या रहेगा? देखिए सबसे पहले मैं पूरे शहरवासियों को इलाका वासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ये जो 8-9 दिन रामलीला चले 10 तारीख दशमी का जो विजयदशमी का जो त्यौहार जो मनाया जा रहा है कि एक पुरानी परंपरा के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। यहाँ आतिशबाजियाँ हैं, बच्चे लोग तो उठा रहे हैं, एक बुराई पे अच्छाई की जीत का जो प्रतीक है, तो यही सीख के जाना चाहिए, यही सीख लेके जाना चाहिए कि आदमी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए और बुराई से बच के रहना चाहिए। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं शिवानी मंडी में, आज दशहरा दोहन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है रावण दहन का, और ये नज़ारा आपके सामने है किस तरीके से यहाँ आतिशबाजी के माध्यम से यहाँ रावण रूपी विनाश का यहाँ पर अंत किया जा रहा है। शिवानी मंडी के युवा समाज सेवी अमित लोहिया जी हैं जिन्होंने इस रामलीला मंचन में अपना अहम योगदान दिया और लगातार 10 दिनों तक अपने यहाँ पर भूमिका निभाते रहे, तो आइए आपको मुलाकात करवाते हैं कि क्या संदेश लोगों का रहेगा इसको लेकर। दशहरे के इस शुभ अवसर पर मैं सभी नगरवासियों को, हरियाणा वासियों को, पूरे भारतवर्ष के सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ। और सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ श्री राम नाटक क्लब के प्रधान पवन गौतू और राजू मेहतो, उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे कलाकारों को, जिनके सहयोग से हर साल हम इन रामलीला का आयोजन कर पाते हैं। और एक अपील मैं सभी हरियाणा वासियों से करना चाहूँगा, आने वाले 21 तारीख को मतदान, जो अपना अधिकार भी है, प्रत्येक मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करें और सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। धन्यवाद। ये हमारे साथ अमित लोहिया जी थे जो अपने विचार रखे थे दशहरे के पावन अवसर के ऊपर। आपको मुलाकात करवाएंगे हमारे कलाकार साथी भी हैं जो कि इस कला का मंचन भी कर रहे हैं, वो हमारे बीच में लगातार अपना अभिनय आप सबके बीच में कर रहे हैं और किस तरीके से वो अपना मंचन दिखा रहे हैं ये आप देख पाएंगे।
कि क्या किस तरीके से पिछले कई वर्षों से यहाँ पर ये मंचन किया जा रहा है और ये कई कलाकार साथी यहाँ लग रहे हैं। ये देख आप देख सकते हैं। हेलो दशहरा का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ इस पूरी रामलीला के मंचन में। अब की बार जो यहाँ पर जहाँ व्यवस्था की गई थी वो जगह अपने यहाँ पर इन रामलीला में सहयोग देने के लिए सांवर मलसन जी हमारे साथ हैं, जो 10 दिन तक लगातार वहाँ पर रहकर अपनी सेवाएं दे रहे थे और लोगों के बीच में किस तरीके से यहाँ पर अपना योगदान दिया। सांवर मल जी क्या कहेंगे आप दशहरा दिन के ऊपर? दशहरा के ऊपर हम विजयदशमी की सबको बधाई के पात्र हैं। हम ये कहते हैं कि हर साल विजयदशमी बड़े सुख शांति से मनाया जा रहा है और हम इनके साथ हैं। जैसे भी सहयोग चाहिए वैसे सहयोग के लिए तैयार हैं और हम ये एक बार चाहते हैं कि रामलीला का ग्राउंड शिवानी के अंदर जरूर होना चाहिए। नगर पालिका से भी व्यवस्था चाहते हैं भी एक 2000 गज का प्लाट नगर रामलीला के लिए स्पेशल शिवानी के लिए उपलब्ध करवाया जाए ताकि सभी की चार दीवारी खिंचवाई जाए और सभी शिवानी के लिए राम विजयदशमी के लिए बधाई के पात्र रहे। आप जिस दिन 10 दिन तक यहाँ पर रहकर आपने यहाँ अपना सेवाएं दी, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सेवाएं ऐसा है जी, सेवाएं बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया सिस्टम बना रहा, सभी का सहयोग रहा, बड़ा शांतिपूर्वक चलता रहा और सभी के नाम रामलीला के राउंड के अंदर मैदान के सभी लोग पहुँचते रहे, वहीं सभी ने रामलीला का आनंद लिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न तरीके की अस्थिक्रिया यहाँ पर श्री राम नाटक क्लब के द्वारा आप सभी के बीच में दिखाई जा रही है। शिवानी मंडी के इस कार्यक्रम में देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर अस्थिवाजों का पूरा आयोजन किया जा रहा है आपके सामने। आज इस रावण दहन के उपलक्ष्य ऊपर हमारे यहाँ हमारे साथ हैं श्री रोशनलाल जी ETO। आइए इनसे जानते किस तरीके का आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा के पर्व की मैं सभी शिवानी वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवानी के मैदान में आतिशबाजियों का बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके साथ साथ बहुत ही 11 दिन तक रामलीला चली बहुत सौहार्द भाव से, तो मैं इसके लिए सभी राम नाटक क्लब के सदस्यों को और हार्दिक बधाई देता हूँ। मनोज बोलूँ शैम्यू को चाह की दुकान रही उसमें दे जानी वो बिजली दुकान उधर जा रहे शाम में सुरेश बिजली आड़ो भैया इनको मनोज ने देना अरे अरे मोटिया
दादी मारो ना मुकुल रे घूम जाए ना कुछ वहां से सुखी रखे हुआ जी। आज दृष्टि रावण का दहन किया जा रहा है आप जी। 39 साल से रामलीला के अंदर जोकर का रोल करता हूं और बहुत ही आराम से भगवान की तरह बहुत अच्छी रामलीला हो रही है और हमारा प्रधान भी मोटू ठीक है भगवान की तरह से, उप प्रधान भी बहुत बढ़िया है, बड़ी हमारी पुलिस का प्रशासन भी बहुत अच्छा है। जिस तरीके से आप पिछले कई वर्षों से आप कर रहे हैं मंचन अपना, हाँ जी, पहले मेरे में क्या बदलाव आपको नजर बदलाव तो ऐसे आ गया कि जी अब थोड़ी पब्लिक भी ज्यादा होगी। पहले छोटा गांव था, अब ये पूरा शहर का शहर हो गया। पहले पंचायत थी, अब यहाँ पर कमेटी होगी तो कमेटी के अंदर तो वोट ज्यादा होंगे तभी कमेटी बढ़ेगी। तो अब वो अब थोड़ा प्रशासन ज्यादा थोड़ा सा जगह की कमी है, जगह हो जाएगी तो उसके बाद में बहुत बढ़िया रामलीला ठीक चल रही है भगवान के। 39 साल रामलीला कर दिए भगवान की दया से, प्रभु 81 से शुरू करी थी, बहुत अच्छा काम है। आपकी उम्र जिस तरीके ज्यादा मेरी उम्र है जी, मेरी उम्र होगी 75 साल की होगी जी। 75 कोई दिक्कत आपको नहीं? कोई दिक्कत मेरे पैरों में दिक्कत है लेकिन फिर भी मैं जैसे लोरी देता हूँ या रामलीला में थोड़ा बहुत हिस्सा ले लेता हूँ तो वैसे पहले मैं जोकर का रोल 39 साल कर रहा है तो 39 साल में 38 साल रोल किया, इबीब की साल नहीं किया लेकिन अभी कभी वैसे लोरी वगैरह दी है वैसे काम ठीक चल रहा है। हाँ जी बहुत बहुत हम मेरे काम की ये जो नजारा आप देख रहे हैं शिवानी मंडी के अंदर और हमारे साथ में बहुत ही कलाकार साथी भी हैं जो आपको यहाँ लगातार मंचन भी कर रहे थे और मैं जानना चाहूँगा किस तरीके के आप यहाँ मंचन करते हैं, किस रोल में? मैं वैसे हर साल रावण बनता हूँ, आपकी दफा ये मेरा दोस्त है बचपन से 30 साल से इसकी इच्छा थी रावण बनने की तो सर्स दे दिया इसको और हमारी उद्देश्य ये है कि हर एक बच्चे के मन में क्योंकि हम हिंदू हैं हमारे बच्चों के मन में ये पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि राम कौन था रावण कौन था और किसके लिए हम ये सब करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है और हम इसको जीवित बनाए रखने के लिए हमारे बच्चों को संस्कार देने के लिए ये सब करते हैं और यही चाहता हूँ कि सभी माताएँ पिताएँ भाई बहन अपने छोटे बच्चों को ये संस्कार जरूर दे। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की जगह राम 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 को आए, जय श्री राम को आए, जय श्री कृष्णा को आ दे, कुछ भी को आ दे लेकिन भगवान का नाम आना चाहिए क्योंकि इससे हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। आप 10 दिन तक यहाँ पर अपने रोल अदा कर रहे हैं, किस तरीके से अपने काम में से समय निकाल कर आते हैं? बस ये एक मन में मतलब हर्ष होता है किसी तरह थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे करके रात को रामलीला करके थोड़ी सुबह लेट तक सो के कुछ मालिक को कह के जिसके यहाँ पे काम करते हैं हाथ जोड़ के हम टाइम को एडजस्ट करके और शाम को रामलीला करते हैं। इससे हमारे मन में मतलब ये खुशी होती है कि हम उस किरदार में जाके उसको रोल प्ले कर रहे हैं और मन में बहुत हर्ष होता है इस बात से। हमारे साथ में श्री राम नाटक क्लब के अध्यक्ष पवन जी हैं जो कि लगातार 10 दिनों तक इस पिछले कई वर्षों से यहाँ पर अपने रोदला कर रहे हैं और इतनी पूरी रामलीला का ये अपना प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं, क्या कहेंगे आप अपने इस पूरे? आज आप ये पुतला देख रहे हैं ये एक अभिमान का पुतला है न कि रावण का। रावण तो एक महान योद्धा और ब्राह्मण थे, बहुत ही अच्छे विद्वान थे, सिर्फ उनका एक अभिमान दिखाया गया है। अभिमान जिसमें होगा वो ऐसे ही टूटेगा और जो टूटेगा वो कभी नहीं जुड़ेगा। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने यहाँ 10 दिनों तक रामलीला की, किस तरीके से आपके मन के अंदर खुशी क्या मानोगे? सबसे पहले तो मेरे साथ पूरे शहरवासियों का खासकर हमारे बाबूजी बाबूलाल जी जो हर साल की बात ही हमारा बहुत ही अच्छा सहयोग करते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे इस दशहरे पर्व पर पूरे शहर के उद्योगपति बड़े भाई रोशनलाल जी टीओ गुड़गांव से चल कर आते हैं, वह तमाम छायाकार बंधु वह तमाम शहरवासी मेरे कार्यकर्ता भी सभी आज बहुत ही खुश है एक बुराई का अंत करके और हमारे जितने भी कार्यकर्ता और शहरवासी हैं उन्होंने आज एक एक बुराई छोड़ने का भी प्रण लिया है, ये भी एक विशेष आज इस दहन पर एक विशेष चीज़ है। आपने ये मंचन देखा यहाँ पर कैसा लगा आपको यहाँ पर देखकर? मैं पहली बात तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं श्री राम नाटक क्लब में हिसार से हर साल स्पेशल रामलीला देखने के लिए यहाँ आता हूँ और मेरे बड़े भाई पवन जी हैं ये मेरे साथ में मेरे स्कूल के मित्र हैं और मैं हमेशा यानी कि दशहरे का पर्व देख के भी मेरे मन में बहुत खुशी होती है। कैसा लगता है आपको यहाँ इलाका देखकर? मेरा शिवानी, वैसे तो मेरी जन्मभूमि भी शिवानी है और मेरी कर्मभूमि भी शिवानी है और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ शिवानी में आके और शिवानी का दशहरा देख के। धन्यवाद।
हमारे साथ में इस मौके के ऊपर शिवानी मंडी के वरिष्ठ पत्रकार, मैं ये कहूंगा पिछले 20-30 वर्षों से यहाँ पर पत्रकारिता कार्य कर रहे, किस तरीके का बदलाव आप यहाँ पर रामलीला मंचन में और रावण दहन में मानते हैं? देखिए, आज बुराई का अंत हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग राम के चित्र की पूजा करते हैं, चित्र की बजाय चरित्र पर चलने की आवश्यकता है, और रावण को जो आज दहन किया गया है, कम से कम अपने अंदर के रावण को जरूर मारे। सुभाष जी, जिस तरीके से आपने कई वर्षों से रामलीला देखते आ रहे हैं, किस तरीके का बदलाव आप मानते हैं यहाँ? काफी बदलाव आया, लेकिन जो लोग आजकल, मैं एक बात बुरी बात है वैसे तो, रामलीला के लोग अंदर रामलीला नहीं देखने आ रहे आजकल। जी जी, एक मनोरंजन का साधन मान लिया है लोगों ने, मंचन करने वाले नहीं ऐसे, अगर वो मंचन करने वाले उसका मनोरंजन मानते तो वो 10 दिन अपने खराब नहीं करते और 1 महीने पहले तैयारियां नहीं करते। लेकिन मैंने पिछले दिनों से देखा कि रामलीला के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे ही लुप्त होती जाएगी। क्या संदेश लोगों का इसके लिए आपका रहेगा? मेरा संदेश सब लोगों से है कि रामलीला का जो मंचन है उसको आप लोग देखने आते हैं, उसको इस भावना से न देखें कि हम मनोरंजन करने जा रहे हैं, राम के चरित्र पर चलने, उसका अनुसरण करें, मेरा यही संदेश है लोगों से। ठीक है, यहाँ पर जो मंच संचालन का कई वर्षों से यहाँ पर अपना रोल अदा निभा रहे हैं, ये हमारे साथ बजरंग जी शर्मा मास्टर जी हैं, वो अपनी ड्यूटी करने के बाद यहाँ पर इतनी दूर से पहुंचकर भी अपने मंच का संचालन यहाँ पर कर रहे हैं, मंच किस तरीके का महसूस है? बहुत ही हर्ष और उल्लास का, आनंद का हमें आभास होता है। आज 40वां ये उत्सव मनाया गया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया, बड़ी शांति से मनाया गया, अनेक प्रकार की आतिशबाजी, विभिन्न प्रकार के पटाखे, अनार आदि, लेकिन बिल्कुल शांतपूर्वक ढंग से पूरे नगर का सहयोग रहा, सभी समाज सेवियों का, सभी जितनी भी संस्थाएं हैं सभी सहयोग करती है। रामलीला के दौरान में 10 से 11 दिन बड़ा शांत वातावरण रहता है और बड़ा ध्यान से सुनते हैं लोग, बड़ी रुचि लेते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति की द्योतक है ये रामलीला, और बार बार हमारे पास मैसेज भी आते भी और एक दो झांकियां बढ़ाएं, बड़े अच्छे तरीके से लोग बाग इंटरेस्ट लेते हैं, देखते हैं और आगे हमें प्रोत्साहित भी करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब कार्य करते हैं उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बड़ा आनंद आता है। और आज का जो पर्व है बड़ी शांति से मनाया गया, दशहरे का ये 40वां पर्व शिवानी नगर की तरफ से मनाया गया, बहुत ही खुशी का माहौल है, अधर्म पर धर्म की जीत का ये प्रतीक त्यौहार बहुत ही अच्छा लग रहा है मनाकर। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा ऐसे ही शांतिपूर्वक ऐसे ही ये पर्व बनता रहे, और आप सबको श्री राम नाटक कल्प की तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। यहाँ पर श्री राम के द्वारा रावण का जो पुतला है वो जलाया जा रहा है, जो क्रूतियां रूपी जो हमारा पुतला है वो आप सबके सामने है और वो जल चुका है, और उसी को देख किस तरीके के आतिशबाजी यहाँ पर आप देखेंगे की पूरी यहाँ पर दर्शाई जा रही है, और जिस तरीके आप देखेंगे कि रावण जहन की जो आपके सामने है और देखा जिस तरीके से आपने कि रावण रूपी जो पुतला था वो 1 मिनट के अंदर ही यहाँ जलकर राख हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से हमारे जो समाज के अंदर जो कुरूतियाँ फैल रही हैं उनको लेकर के जो बुराइयों रूपी जो रावण है उसको हमें ख़त्म करना होगा, और उसका एक दिन विनाश निश्चित माना जाता है। और वो पुराना नज़ारा आप जिस तरीके देखेंगे यहाँ पर आप सबके सामने है कि हम किस तरीके से यहाँ पर इसका दोहन का पूरा नज़ारा आप सबके सामने है। पूरी तादाद शिवानी इलाके की यहाँ पर अगर मैं मानूँ आपके जिस तरीके देखेंगे पूरा पंडाल यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है, और पूरे इलाके के लोग यहाँ पर आप सबके सामने उपस्थित हैं, और वो ये पूरा नज़ारा आप देखेंगे कितनी भव्य संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर रामलीला का जो मंचन करते हैं उसमें मंच संचालन की भूमिका निभा कई वर्षों से हमारे बीच में कृष्ण वर्मा जी हैं, जो कि यहाँ मंच संचालन का रोल अदा कर रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर अपना महसूस करते हैं अपना मंचन करके। बहुत ही अच्छा कि इस टाइम जो एक युग है इसके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के बारे में 10-12 दिन तक जो गुणगान गाने को जो मिलते हैं बड़ी खुशी होती है दिल को कि इस टाइम एक मतलब भगवान रामचंद्र जी के गाने के लिए मतलब टाइम मिलता है उसके लिए। जी, किस तरीके से मतलब लोगों का सहयोग आपके यहाँ में? बहुत ही बढ़िया सहयोग, मैं तो ये कहता हूँ कि इतना मान करते हैं हर कलाकार, हर शिवानी का जो भी वासी है,
चाहे 2 साल से लेकर 100 साल का बूढ़ा बुजुर्ग माता बहन जो भी है सब मुझे बहुत ही बढ़िया सहयोग दे रहे हैं। इनके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से सभी का धन्यवाद करता हूँ पूरे शहर में। जिस तरीके से आज रावण का दहन किया गया, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि एक रावण में रूपी दहन का तो एक बहाना है, लेकिन हमारे समाज में हमारे अंदर जो फैली हुई जो काम क्रोध मोह माया लोभ लालच की जितनी जो बुराई है उन सब का नष्ट हो अंत हो। रावण तो हम हर साल जलाते हैं, लेकिन हर चीज़ के अंदर क्या है कि रावण शब्द का मतलब एक घमंड अभिमान, जिसको हम कितने भी जो बुराइयों के नाम दे सकते हैं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। हर घर का मतलब ये नहीं कि हर घर में बहुत सज्जन पुरुष है, हर घर का मतलब है कि हर चीज़ में हमें ऐसी जैसे जो बुराई है उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये एक असत्य पर सत्य की जीत और न्याय।